तमाम नाज़रीन, मैं आज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऐसी बातें जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये हैं, जो मुल्की सूरत हाल है उसको मद्दनज़र रखते हुए बेतहाशा लोग जो हैं, स्पेशली ओवरसीज़ लोग जो हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज हैं। हमारी जो न्यूज़ उनको मिलती हैं, जो ये न्यूज़ चैनल्स हैं जो वहाँ तक पहुँचा रही हैं न्यूज़, देखिए पाकिस्तान एक सल्तनत है, एक पूरी एक मुल्क है। इस मुल्क के अंदर बेशुमार शहर हैं, सूबे हैं, तो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, ये पहले भी चलता आ रहा है, लेकिन होता ये था कि पहले की उसकी खबर वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाता था, या वो खबर वहीं के वहीं पर रह जाती थी, उसको सेपरेट नहीं किया जाता था, आगे तक नहीं पहुँचाया जा करता था, इसलिए पता नहीं चलता था। इस टाइम जो भी कोई बात होती है बहुत जल्दी से रैप होती है और बहुत जल्दी वो स्प्रेड कर दी जाती है। तो नाज़रीन याद रखे कि पाकिस्तान जो है, मैं पहले भी एक दफ़ा आपको बता चुका हूँ, अगेन बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से प्यार बनाया गया है, और इसके पीछे बहुत हकायक है, इसके पीछे कोई रीजंस हैं जो इस्लामी पॉइंट से, हमारा दीन के पॉइंट से है, और ऐसी कई बातें जो हमारे बुज़ुर्ग बता चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पाकिस्तान महफूज है, 100% महफूज है। अब इसकी और अंदर बेहतरी भी आ रही है, बजट भी अनाउंस हो चुका है, लोग हैप्पी हैं, जो मुलाजमी लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, जो लेबर्स में जो लोगों की तनख्वाहें थी उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है, इसके अलावा जो मामलात हैं फर्दर वो भी बेहतर होने को जा रहे हैं। टाइम लगता है आज चीज़ों के अंदर, अल्लाह हमें बुरे लोगों से, बुराइयों से बचाए, और वो तमाम दुशार पैदा करने वाले लोगों से अल्लाह ताला बचाए जो हमारे मुल्क को, कौम के लिए नुकसानदेह हैं। नाज़रीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर भी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल करें, मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का कितना फ़ायदा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए जहाँ पर हमें लॉस ना हो, हमें नुकसान ना हो। जो लोग गोल्ड की तरफ, डॉलर की तरफ जाते हैं वो एक हद तक जा रहे हैं। अब देखिए डॉलर की कीमत मार्केट में पाकिस्तान में कम होने शुरू हो गई है, अब लोग दोबारा जो है पैसा निकाल के दोबारा रिस्क में शामिल करने जा रहे हैं, तो अभी वक्त बहुत अच्छा है। आप टाइमली चीज़ें बाय करें, वरना फिर अगर रेट इंक्रीज़ होंगे प्रॉपर्टी के पाकिस्तान के अंदर, तो फिर वो भी एक अच्छी बात नहीं है, लॉस वाली बात है। तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि आपने वहाँ पर कुछ दो पैसे कमा लिए, यहाँ पर चार पैसे ज़ाया कर रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि आप इस वक्त बेहतरीन टाइम के अंदर हैं, पाकिस्तान में उठाएँ, पैसा इन्वेस्ट करें, आप ट्रेडिंग करें मेरे साथ। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको 100% गारंटी दी जाएगी आपके पैसे की, कि आपका पैसा नहीं डूबेगा, आपका पैसा सिक्योर रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप मेरे साथ कारोबार करें, आप हम बिज़नेस भी कर सकते हैं, मैं आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट को मेच्योर भी करें, मैं आपके साथ जब स्टार्ट होऊंगा इंशाल्लाह एंड तक भी हम लोग जाएंगे आपके साथ। ये एक बड़ी अहम जो मैंने डिसीजन की है आज की डेट के अंदर, मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप अपनी इसको न्यूज़ को ज़रूर, इस वीडियो को ज़रूर स्प्रेड करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में भी, ताकि सबका भला हो सके। नाज़रीन इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो कैपिटल मास, लाहौर मास, इस ऐसा कोई सोसाइटी इस टाइम नहीं है। बहुत अच्छी सोसाइटियाँ भी हैं जो छोटी हैं, लेकिन उनका मैार भी अच्छा है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट कैपिटल मास्टी का मुकाबला अब नहीं हो सकता। लाहौर मास्टी का अब जो है ना मामला बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, ये बहुत अरूज पे जा रहे हैं, और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी मार्केट में मार्केट बना चुके हैं, और ये वर्ल्ड वाइड मार्केट है। इंशाल्लाह एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई मालूमात के साथ फिर अभी हाजिर होगा। तब तक लिए कमर्स को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।